अब आते हैं हम लोग नया एक टॉपिक में, रेसिडेंशियल स्टेटस। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस? देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जब टैक्स पे करता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, इंडिया में पे करेगा तो या नहीं करेगा। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट पर्सन जिससे हम लोग टैक्स क्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स क्लेम कर रहा है, वो इंडिया में कम रहता है, अब्रॉड में ज्यादा रहता है, या फिर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंडिया में कितना रहता है, अब्रॉड में कितना रहता है, उसका इनकम। अब फॉर एग्जांपल प्लेयर्स है ना, बेस्ट एग्जांपल है कि जो अब्रॉड से जो प्लेयर्स जो इंडिया में आईपीएल खेलने आते हैं, वो लोग तो 3-4 महीना इनकम तो यहाँ पे रहते हैं, तो वो जो आईपीएल का फीस है वो कहाँ टैक्स भरेगा? वो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट तो छोड़ेगा नहीं उसको कि तुम यहाँ पे कमा रहे हो तो पैसा तो मेरे को देके जाओ, लेकिन उसका रूल होना चाहिए ना। तो उसी तरह से देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन मर्चेंट नेवी, जहाजों में काम करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर इंडिया में आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, इंडिया में आते हैं। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो लोग आईबीएम में कलकत्ता में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में बाहर भेज दिए यूएस में। दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो इंडिया में आजकल हो रहे हैं। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई हु पे टैक्स इन विच कंट्री एंड व्हेन? ठीक है, सो रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज होता है। अ पर्सन हु इज अमेरिकन सिटीजन कैन बी एन इंडियन रेसिडेंट, एन इंडियन सिटीजन कैन बी एन कनाडियन रेसिडेंट। ठीक है, सिटीजनशिप बाय बर्थ हम लोग को प्राइज में मिलता है, मतलब अगर तुम्हारा फैमिली यूएस में होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा बच्चा यूएस में होता है, तो इन दैट केस दैट बच्चा इज अ यूएस सिटीजन, नॉट यू। ठीक है, तुम इंडियन सिटीजन ही रहोगे, यूएस सिटीजन नहीं बन सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंशियलशिप, मतलब टू रिसाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिटीजन बन जाओगे, सिटीजन और रेसिडेंट अलग अलग होता है। तो एक रेसिडेंट जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, एक रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट जो सिटीजन इंडिया का नहीं है, उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, है ना? आ रहा है समझ में? एक रेसिडेंट जो इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन है, इंडिया का रेसिडेंट है, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, भरपूर टैक्स पे करेगा, जितना उसका इनकम हो रहा है जहां से भी हो रहा है पे करेगा। और जो इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडियन रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, वो इंडिया में टैक्स नहीं पे करेगा, यूरोप में कहीं रहता है, वहां कमाता है, वहां पे करेगा। तो हाउ डू वी नो हु इज अ रेसिडेंट एंड हु इज नॉट? मतलब यहां पे मेन बात यही हो गई ना कि रेसिडेंट कौन है, वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, एक है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। देखो, एक है रेसिडेंट और एक है नॉन रेसिडेंट। सो जो नॉन रेसिडेंट है उसको तो इंडिया में कुछ पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, और जो रेसिडेंट है उसको करना है। लेकिन वापस रेसिडेंट का दो कैटेगरी हो जाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मैं सारी चीज बताऊंगा, मैं ओवरव्यू अभी दे रहा हूं तुम लोग को। और नॉन रेसिडेंट का तो कोई कैटेगरी नहीं है, वो बाहर का आदमी बाहर का ही रहता है। अंदर का है तो पूरी तरह से अंदर का है, या आधा अंदर का आधा बाहर का, द समरी ऑफ दिस इज दैट। तो चलो, टू आइडेंटिफाई हु इज व्हाट, द गवर्नमेंट हैव गिवन अस टू सेक्शंस। द फर्स्ट इज बेसिक कंडीशन, ठीक है, सेक्शन 6 विद इन ब्रैकेट 1, इसको हम लोग प्राइमरी कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, सो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी सैटिस्फाइड,
सैटिस्फाइड, किस लिए? टू बिकम रेसिडेंट, ठीक है, खाली रेसिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 विद इन ब्रैकेट 1 उसको फुलफिल करना पड़ेगा, कोई भी एक कंडीशन, ठीक है। सो यहां पे अपने दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, स्टे ऑफ 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, मतलब उसको 182 डेज भारत में रहना पड़ेगा। देयर हैज टू बी अ टोटल स्टे ऑफ 182 डेज और मोर भी हो सकता है, लेस होने से नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता है तो दूसरा कंडीशन है स्टे ऑफ 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, दैट इज 2019 एंड 20, ठीक है, एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग, 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है, विच इज 2018-19, ठीक है, 2018-19, 2017-18, 2016-17 and 2015-16, इन चारों साल को अगर आप कंप्राइज करो, सो 365 डेज होने चाहिए। आया समझ में? मतलब 60 दिन उसको 19-20 में रहना पड़ेगा और 365 दिन उसको इन चारों साल को मिला के रहना पड़ेगा। आया ना समझ में? कंडीशन 1 या कंडीशन 2, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा टू बी कॉल्ड रेसिडेंट, ठीक है ना। सो यहां पे अपने छोटा सा करके लिखते हैं टू रिमेंबर, ठीक है, एनी वन, ठीक है, 182 डेज और मोर, ठीक है, 60 इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 इन 4 प्रीवियस ईयर। तो ये मैं तुमको शॉर्ट में यहां पे रिवीजन पर्पस में लिख दिया। आया समझ में? ना, देयर आर सम एक्सेप्शंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेप्शंस? जहां पे रूल फॉलो नहीं होता है। एक्सेप्शंस टू दिस दीस टू रूल्स आर फ्यू, ठीक, खाली 2-3 ही एक्सेप्शन है जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। पहला, एक्सेप्शंस, इन द फॉलोइंग रेसिडेंशियल स्टेटस इज फाउंड बाय कंसीडरिंग ओनली one, ठीक है, that is stay of 182 days, मतलब कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिस सिचुएशन में रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, जब वो खाली 182 दिन वाला कंडीशन को ही अप्लाई करके निकाल सकते हैं, 60 एंड 365 डेज अप्लाई नहीं कर सकते। किस सिचुएशन में? नंबर 1, इंडिविजुअल लीव्स इंडिया फॉर
एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो भारत छोड़ रहा है, क्यों, भारत के बाहर काम के लिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंडिविजुअल इज अनएम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ लिविंग द कंट्री. रिमेंबर, इंडिविजुअल लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, सो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए वो बाहर जा रहा है. सो ये कंडीशन उन लोगों के लिए है, पीपल हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन इंडिया एंड दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर द सेम प्रोजेक्ट, जो इंडिया में से उनको भेजा जा रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, आप भारत को छोड़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, दैट इज नॉट द कंडीशन. कंडीशन नंबर टू, इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, लिविंग इंडिया. हम लोग देखे हैं ना मर्चेंट नेवी के लोग क्या करते हैं, वो लोग दे वर्क इन शिप्स. इंडिया में ही कोई कंपनी है जो उसको ओन करता है और वो बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, है ना. सो उन लोग के लिए भी पहला वाला कंडीशन से ही फाइंड आउट करें. थर्ड, इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर फर्स्ट, मतलब इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि उसके दादा या परदादा वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए थे. अनडिवाइडेड इंडिया मतलब व्हेन इंडिया वाज होल, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाज नॉट डिवाइडेड, इंडिया वाज होल, तो उसमें या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया वाज वन कंट्री, ठीक है, एट दैट टाइम, तो उसमें वो जन्म लिए थे और उसका डिसेंडेंट is coming to visit India, ठीक है, for the first time. So उसका income या उसका जो stay है that will be computed following condition number one only, ठीक है. मैं यहाँ पे detail में नहीं लिखा, I'm writing it. ये काफी detail है, लेकिन तुम लोग को books भी read करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने read किया था, ठीक है, अपने time पे, तो तुम लोग को भी read करना पड़ेगा, हाँ. So यहाँ पे there are three exceptions. First one is person who is living India for employment outside India. Second, person who is living India as a member of crew of an Indian ship. ठीक है? Person who is visiting India for the first time from an Indian origin family. Indian origin मतलब family whose ancestors are born in undivided India. As simple as that. कुछ भी इसमें complication नहीं है. लेकिन ये बहुत complicated हो जाता है लोगों के लिए. लेकिन ये बहुत simple चीज़ है. Now, so, यहां पे हमारा बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 विद इन ब्रैकेट 1 इज डन, ठीक है. तो वी आर नाउ रीच्ड एट दिस पॉइंट. अभी अपने को पहुंचना है इन दोनों सिचुएशंस में. तो क्या मैं ये बन सकता हूं? अगर मैं ये नहीं बनूंगा तो मैं क्या बनूंगा? तो फिर मैं ये बन जाऊंगा, ठीक है. सो एक बार देखते हैं कैसे मैं क्या बनता हूं. तो यहां पे अब हमारा आता है सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है. ये है मेरा सेक्शन 6 विद इन ब्रैकेट 6, ठीक है, सेकेंडरी कंडीशन विच इज अंडर 6 विद इन ब्रैकेट 6. ना, सो ये मैं समझा देता हूं सेकेंडरी कंडीशन का. अच्छा,
Now, if अच्छा both of the following condition under section 6 within bracket 6 are to be satisfied to become resident and ordinarily resident. ठीक है, जो भी मैं कंडीशन कहूंगा उन दोनों कंडीशन को हम लोग को पूरी तरह से सैटिस्फाई करना पड़ेगा टू बिकम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. ठीक है, सो क्या है फर्स्ट कंडीशन स्टेट ऑफ 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर. ठीक है, मतलब 2018, 17, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 2018 से लेके 2012 तक पीछे जाएंगे. ठीक है, इन सातों सालों में देखेंगे क्या वो 730 दिन है इंडिया में, भारत में, इंडिविजुअली हर साल का कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर वो 730 दिन से ज्यादा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया. ठीक है, एंड देन कम कंडीशन नंबर 2. ठीक है, रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीसीडिंग previous years. ठीक है, that is 2018 से लेके 2008 तक इनमें से कोई भी 2 साल उसको resident होना होगा. मतलब basic condition fulfill किया होगा वो, मतलब कोई भी 2 साल लगातार 2 साल, मतलब कोई भी 2 साल इन फिर ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब 2008 में हुआ और फिर 2010 मतलब वो पूरे साल ही रहना होगा. नहीं, रेसिडेंट मतलब हो गया कि ही इज फॉलोइंग कोई भी बेसिक कंडीशन जो है ना, बेसिक कंडीशन को फुलफिल करके वो रेसिडेंट बन गया है, बस है ना. कोई भी 2 साल होना चाहिए वो 2008 से 2018 के बीच में, और साथ साथ सर वो 730 डेज भी कर वो भी होना पड़ेगा, दोनों होगा सब सेकेंडरी कंडीशन, तब सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल होगा. ठीक है, इफ अबव कंडीशन आर नॉट सैटिस्फाइड देन ही और शी विल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. सो एक बार समरी करते हैं, यहां पे है बोथ अंडर सेक्शन 6 विद इन ब्रैकेट 6. ठीक है, मतलब क्या क्या है, 730 एंड 2 out of 10. एग्जाम में जब देखोगे ना ये तो फटाक से एकदम दिमाग में आ जाएगा, है ना. तो और ये नहीं फुलफिल किया तो पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको कॉपी करो, हम लोग इसके आगे समझते हैं.